हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाजिया फूड हब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुरादाबादी चिकन बिरयानी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आइए बनाते हैं मुरादाबादी चिकन बिरयानी। तो रेसिपी बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। इसके लिए मैंने लिया ये 1/2 kg चिकन और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और ये 1/2 kg बासमती राइस है, इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने भिगो दिया आधे घंटे से। ये नमक है 4 चम्मच, और ये है 1 प्याज, कुछ टुकड़े अदरक के हैं, 6-7 लहसुन की कलियाँ हैं, 10 ये हरी मिर्च है कटी हुई, 1 कटोरी दही है, 1 साबुत मसाले हैं जिसमें लिया है मैंने 1.5 चम्मच जीरा, 1 चम्मच है सौंफ, 1 चम्मच है काली मिर्च, 1 नींबू का जूस है, और ये 2 चम्मच है साबुत धनिया, 2 बड़े चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 बादियान के फूल, 9 लौंगे, 1 जावित्री का फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 जायफल का छोटा सा टुकड़ा, 3 बड़ी इलायची, 5 छोटी हरी इलायची, 4-5 है तेज पत्ते। सबसे पहले हम रखेंगे गैस पर भगोना। तो भगोने में मैंने डाला है 3 ग्लास भर के पानी। फिर पानी में हम डालेंगे दोनों तेज पत्ते, 2 से 3 तेज पत्ते, 2 बड़े चम्मच है धनिया, ये भी डाल दिया है मैंने इसमें, प्याज अदरक और लहसुन, सौंफ, 1 टेबल स्पून सौंफ है ये, 1 टेबल स्पून है काली मिर्च के दाने, तो पूरी नहीं डाली है मैंने काली मिर्च, थोड़ी सी बचा ली है, 1 नींबू का जूस, ये भी पूरा हम इसमें डाल देंगे, जीरा 1 चम्मच है तो थोड़ा सा जीरा भी बचाया है मैंने, और ये बादियान के फूल दोनों, 3 छोटी हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, जावित्री, जायफल का छोटा सा टुकड़ा, और ये दोनों सिनेमन स्टिक। और ये 6-7 लौंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हम डालेंगे 3 टेबल स्पून भर के, और इसको कवर कर देंगे और अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे सारी चीज़ों को। अब इधर दूसरी गैस पर मैंने रखा है दूसरा भगोना, और उसमें डाला है 1 कप के करीब रिफाइंड ऑयल। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ऑयल हो गया है गर्म। अब हम इसमें डालेंगे ये कुछ खुशबू के मसाले, जिसमें बादियान का फूल है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 4-5 लौंगे हैं। फिर हम इसमें डालेंगे ये प्याज। तो 1 बड़ी प्याज को मैंने कट किया है, और ये 2 तेज पत्ते। प्याज को हम भूनेंगे थोड़ी देर तक। फिर हम इसमें डालेंगे ये जीरा जो बचाया था, और ये काली मिर्च के दाने। प्याज को हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, इसका कलर हम चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। तो ये देखें, प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई किया है, 6-7 मिनट तक बस फ्राई किया है प्याज को। फिर हम इसमें शामिल करेंगे चिकन को,
और चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हम तब तक इसे फ्राई करेंगे जब तक इस पर हल्के से गोल्डन डॉट्स ना आ जाएं। तो ये देखें 10 मिनट तक मैंने चिकन को फ्राई किया, हल्के से गोल्डन डॉट्स भी आ गए इसके ऊपर। अब इसमें हम मिक्स कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। हम तब तक भूनेंगे अदरक लहसुन को जब तक इसकी स्मेल ना ख़त्म हो जाए अदरक लहसुन की। अब इसमें हम मिक्स कर देंगे ये 1 चम्मच नमक। फिर हम इसमें मिक्स करेंगे ये दही। तो दही हम पूरी नहीं डालेंगे, 7-8 चम्मच बस डाल देंगे दही। तो 8 चम्मच मैंने दही इसमें मिक्स करी है और दही को हम चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखें अच्छी तरह से भून गया है, 10 मिनट से मैंने इसे भूना है। फिर हम इसमें मिक्स करेंगे ये हरी मिर्चें। अगर आप ज़्यादा तीखी मुरादाबादी बिरयानी बनाना चाहें तो आप थोड़ी और मिर्चों का यूज़ कर लें। तो ये अच्छी तरह से भून गया है और ये पानी भी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है सारे साबुत मसालों की पानी में से। तो अब हम इस पानी को चिकन में छान लेंगे। ये देखें सारा पानी मैंने चिकन में डाल दिया है। और इसको कवर करके रख देंगे जिसमें अच्छी तरह से ये पानी खोल जाए। तो ये देखें पानी अच्छी तरह से खोल गया है। अब इस टाइम पे हम इसमें मिक्स करेंगे ये बासमती राइस। और फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे चावल को चिकन में। और कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए जिसमें चावल भी अच्छी तरह से गल जाए। तो 10 मिनट के बाद देखते हैं हम इसे। तो ये देखें ये अच्छी तरह से चावल गल चुके हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें मिक्स कर देंगे ये फूड कलर से बिरयानी में खूबसूरती आ जाती है, प्यारी सी दिखने लगती है बिरयानी। और इसे कवर कर देंगे हम इसमें अच्छी तरह से स्टीम बन जाए इसमें। और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। देखें मैंने इस पे यहाँ पे थोड़ा सा आटा लगाया था होल पे जिसमें भाप ना निकले। तो ये देखें बहुत अच्छी स्टीम बनी है और बिरयानी बहुत अच्छी वाली दम में आई है, बहुत अच्छी से स्मेल आ रही है। तो हम इसको कर लेंगे अब सर्व। तो बिरयानी को मैंने सर्व किया, इसके साथ मैंने बनाया है रायता और लहसुनी चटनी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मुरादाबादी चिकन बिरयानी की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।